दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ ज्योति जवाहर खंड काव्य। ज्योति जवाहर खंड काव्य आपके बोर्ड एग्जाम में 100% सेफ्टी के साथ कहता हूँ ये आना तय है। ज्योति जवाहर खंड काव्य जो है, अगर आप इसमें बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इसको जरूर से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये मतलब हर जगह नहीं है ज्योति जवाहर खंड काव्य, लेकिन जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर तो आएगा ही। ये तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। बहुत जगह मतलब दूसरे भी यहाँ खंड काव्य रहते हैं, तो वो देखिए यहीं पर है। तो आइए पहले आपको कुछ से क्या रहेगा, ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर राष्ट्र के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्र करना रहेगा, या फिर रहेगा आपका राष्ट्र के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू के कथानक संक्षेप में लिखिए। आपको इतना संक्षेप में लिखना रहेगा, या फिर ऊपर मतलब चाहे जैसे घुमा फिरा, ये आप यही समझ लीजिएगा कि सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन रहेगा वो यही रहेगा। हिंदी का आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, यही रहेगा ज्योति जवाहर खंड का। आपको सबसे पहले क्या लिखना है फ्रेंड्स, परिचय। आपको परिचय में क्या लिखना है मैं आपको बताता हूं। देखिए परिचय आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है, परिचय। परिचय जब आपने हेडिंग डाल तो उसके बाद आपको लिखना है प्रस्तुत ज्योति जवाहर खंड काव्य के कवि देवी प्रसाद, देखिए प्रसाद नहीं यहाँ पर होकर प्रसाद, देखिए देवी प्रसाद शुक्ल राही जी हैं। अब देवी है, देवी प्रसाद शुक्ल राही जो है उसे आप ब्लैक पेन से कर दीजिएगा। देवी प्रसाद शुक्ल राही जी हैं जिन्होंने राष्ट्र के नायक युगावतार पुरुष पंडित जवाहरलाल नेहरू के चरित्र के विषय में निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं, इतना आप लिखेंगे। उसके बाद आप देखिए पहली विशेषता लिखेंगे उनकी क्या, यहाँ पर आप डैश कर देंगे। उसके बाद आपको पहली विशेषता इनकी लिखनी है कि इनकी पहली विशेषता क्या है, इनकी पहली विशेषता है अलौकिक पुरुष। देखिए पहली विशेषता क्या है, अलौकिक पुरुष। अब इसके बारे में आप लिखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व में अलौकिकता का समावेश किया है, वह दिव्य तत्वों से निर्मित अलौकिक पुरुष है, विधाता ने अपने रचना कौशल से सूर्य से तेज। देखिए इतना आपने लिखा क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व में अलौकिकता का समावेश किया है, दिव्य तत्व से निर्मित अलौकिक पुरुष है, विधाता ने अपने रचना कौशल से तेज, सॉरी अपने रचना कौशल से सूर्य से तेज, चंद्रमा से सुघड़ता, हिमालय से स्वाभिमान, सागर से गंभीरता, वायु से गति और धरती से धैर्य लेकर इनके व्यक्तित्व का निर्माण किया है। इतना आपको लिखना पड़ेगा फैन, ये मतलब अपने पहला भी पॉइंट था, ये सिर्फ आपका पहला पॉइंट था। अब आपको लिखना है दूसरा पॉइंट। देखिए दूसरा पॉइंट है हमारा गांधी जी से प्रभावित पुरुष। अब गांधी जी से प्रभावित पुरुष आप देखिए हेडिंग आप याद कर लीजिए, आप बीच में चाहे जो लिख दीजिए, मतलब इसी से रिलेटेड रहना चाहिए, जरूरी नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ आपको वही रहे, आप इसको लिख दीजिएगा अपने मन से। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी जी के सच्चे अनुयायी थे, सच्चे अनुयायी एवं शिष्य थे। उन्हें गांधी जी से सत्य, अहिंसा, उदारता, मानव प्रेम तथा करुणा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गांधी जी के कर्म सिद्धांत से प्रेरणा पाकर अपने जीवन को कर्ममय बनाया था। सिर्फ आपको इतना याद करिए गांधी जी से प्रभावित पुरुष थे, आप अंदर इसका लिख दीजिएगा। देखिए उसके बाद हमारा दृढ़ पुरुष। अब ये दृढ़ पुरुष क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक दृढ़ पुरुष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भी कार्य को ठान लेते थे जब तक वह उसे कर नहीं लेते थे, चैन की सांस नहीं लेते थे, जैसा कि इनके विषय में कहा गया है। अब देखिए फ्रेंड्स इतना आप लिखे उसके बाद आप डैश कर लेंगे, दृढ़ पुरुष का ये हेडिंग है, इतना आप लिखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक दृढ़ पुरुष थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो भी कार्य को ठान लेते थे जब तक उसे कर नहीं लेते थे, चैन की सांस नहीं लेते थे, जैसा कि इनके विषय में कहा गया है। अब देखिए इनके विषय में क्या कहा गया है, नौकों पर खेलना मेरे जीवन की शैली है, नौकों पर खेलना मेरे जीवन की शैली है, मेरी दिनचर्या पर्वत से लेकर जंगल तक फैली है। आप इतना लिखेंगे, ये देखिए आप इसको ब्लैक पेन से आप लिखेंगे, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा आप कर दिएगा, ये भी आपको ब्लैक पेन से ही करना है, ये आपको दूसरे पेन यूज नहीं करनी है। देखिए उसके बाद हमारा चौथा है नीतिज्ञ एवं स्वाभिमानी। अब नीतिज्ञ एवं स्वाभिमानी में आपको क्या लिखना है, नेहरू जी महान राजनीतिज्ञ थे, यह गुण उन्हें चाणक्य से प्राप्त हुआ था, जिनके सामने सिकंदर जैसा विश्व विजेता मात खा गया। उन्होंने राजा कोरख से पौरुष का पाठ सीखा, जिसने सिकंदर को स्वाभिमान का पाठ सिखाया था। आप इसके अंदर को एक बार आप पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से, देखिए ये क्या है नीतिज्ञ एवं स्वाभिमान, आप ऊपर का हेडिंग आप देख लीजिएगा, नीतिज्ञ एवं स्वाभिमानी है, इसके अंदर आप इसको बनाकर भी तो लिख सकते हैं, यही जो है नेहरू जी राजनीतिज्ञ थे, यह गुण उन्हें चाणक से प्राप्त हुआ था, जिनके सामने सिकंदर जैसा विश्व विजेता मात खा गया था, ये सब आप लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए पांचवा हमारा राष्ट्रीय भावों के प्रेरक। अब ये आपका थोड़ा बड़ा हो जाएगा। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व भारतीयों को राष्ट्रीय भावनाओं की प्रेरणा देने वाला है।
भारतीयों को राष्ट्रीय भावनाओं की प्रेरणा देने वाला है। उनके व्यक्तित्व में अशोक की विरक्ति, महावीर की अहिंसा, शिवाजी की देशभक्ति और विवेकानंद के आत्मदर्शन की झलक दिखाई देती है। भारत का कण कण उन्हें त्याग और बलिदान से अवमंडित कर रहा है और ऐसी भाव को प्रकट करते हुए और ऐसे ही भाव को प्रकट करते हुए राही जी ने कहा है, देवी प्रसाद जो शुक्ल राही जी थे उन्होंने कहा है, देवी प्रसाद जी ने कहा है, देखिए क्या कहा है, आजादी की मुमताज जिसे अपने प्राणों से प्यारी है, आजादी की मुमताज जिसे अपने प्राणों से प्यारी है उस पर अपनी मुमताज सहित यह शाहजहां बलिहारी है। आप इतना लिखने के बाद यहां पर आप इन्वर्टेड कॉमा कर दीजिएगा आप ब्लैक पेन से, ताकि एग्जामिनर को मतलब देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, इंप्रेसिव बने, तभी आपको मतलब सबसे हटकर आपको कॉपी रहनी चाहिए, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो बस यार रही थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं डेली आप सभी के लिए बहुत सारी वीडियो लाता हूँ, 3-4 वीडियो आपके लिए डेली आती हैं, उन सभी वीडियोस को भी आप देखा करिए और उन सभी से यार सीखिए जो जो मैं इस पर बताता हूँ। तो बस इसी के साथ यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं।